इस मैच को इंडिया खेला है और विराट कोहली ने पाकिस्तान को भर भर के पेला है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के बारे में बात करते हैं। इंडिया टॉस जीता, जीतेगा अभी पाकिस्तान से कुछ भी नहीं हारने का, ये हुई ना बात। और गेंदबाजी करने का फैसला लिया। शुरुआत तो हमारी अच्छी थी, शुरू में ही हम 0 पे बाबर आजम को और 4 पे एम रिजवान को निपटा दिए थे। लेकिन उसके बाद एस मसूद और आई अहमद ने 50 रन मार के इंडिया को बैकफुट पर ला दिया था। और शाहीन अफरीदी के अच्छे फिनिशिंग टच ने पाकिस्तान को 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 159 रन बनवा दिया था। और हमारे तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर अक्षयदीप सिंह, जो कि 3 विकेट लिए, उसके साथ साथ हार्दिक पांड्या ने भी 3 विकेट लिया। लेकिन इतना कम स्कोर देखकर हम तो सोच रहे थे कि इसको तो हम 15 ओवर में ही चेस कर देंगे, मतलब हमारे पास बहुत नेक्स्ट लेवल बल्लेबाज हैं। और इनिंग शुरुआत हुआ इंडिया का, दूसरे ओवर में ही राहुल गए, उसके बाद उनके साथ ही रोहित भी 4 रन बनाकर वापस लौट गए। लेकिन हमने सोचा कि कोई नहीं, हमारे पास सूर्य कुमार यादव है, लेकिन ये भी 15 रन बनाकर वापस लौट गए। इसके बाद अक्षर पटेल का रन आउट, हमने तो मोबाइल टीवी सब बंद कर दिया था। लेकिन एक ओवर में हार्दिक पांड्या का 2 सिक्स और विराट का 1 सिक्स हमें मोबाइल ओपन करने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद हार्दिक और विराट ने जो खेला है, मतलब पाकिस्तान को पेला है। और उसके बाद पाकिस्तान का कुछ कर्ज था जो कि हमें वापस करना था। और इक्वेशन 2 ओवर में 31 रन पर आ गया था। और 19वें ओवर के 5वें छठी गेंद पर विराट कोहली का लगाया 2 सिक्स, मजा ही आ गया। उसके बाद एक ओवर में 16 रन चाहिए था, लेकिन पहले गेंद पर हार्दिक पांड्या 37 बॉल में 40 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन उसके बाद विराट कोहली का 4थे गेंद पर लगाया गया 6 मैच इंडिया की झोली में लाकर रख दिया। और लास्ट बॉल पर अश्विन 4 रन मारकर इंडिया को विन करवा दिया। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट मैच प्रीव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो।